नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GHTV YouTube चैनल। आज मैं डायरेक्टली आपके सामने सबके सामने ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि ये मिस्टर आदित्य ठाकरे के पास पहुंचना चाहिए। मैं कुछ बात करना चाहता हूं मिस्टर आदित्य ठाकरे से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, बहुत दिन पहले से था, लेकिन अब क्या होता है, एक आदमी के पास, आदमी तभी डरता है जब उसके पास कुछ खोने के लिए हो। यहाँ खोने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। अब ना सिर्फ ये शरीर बचा हुआ है, और इतने दिन ऑक्सीजन में रहने के बाद, क्योंकि पर्यावरण मंत्री है मिस्टर आदित्य ठाकरे, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, तो आप पर्यावरण मंत्री है तो आप समझ सकते हैं कि शरीर, और हिंदू बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं तो हिंदू शास्त्र का ज्ञान है आपको, पर्यावरण मंत्री है, खेल मंत्री, तो आपको पता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद कितना पावन हो जाता है शरीर, कितना एनर्जेटिक हो जाता है इंसान, और उसके मन से डर कितना ख़त्म हो जाता है। तो ये डर ख़त्म करते हुए, क्योंकि और वैसे भी मेरे पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, कुछ भी बचा नहीं है, तो मैं वैसे ही बॉलीवुड मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं सपना भी ख़त्म, पैसा भी ख़त्म, सारी पावर ख़त्म, तो मैं डायरेक्टली बात करना ही चाहता हूँ नहीं, लेकिन मैं बात कोई आपके अगेंस्ट में, आपके फेवर में, या फिर बीजेपी के फेवर में, या कांग्रेस के फेवर में, या शिवसेना के फेवर में, किसी के फेवर में नहीं कर रहा हूँ। मैं बात फैक्ट्स पे करूँगा, सच्चाई पे करूँगा, और यही बात अगर आपको सही लगती है तो फिर आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसका रिप्लाई कर दीजिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। लेकिन मैं जो देखने वाले लोग हैं उन सबसे प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो साथ ही साथ। लेकिन मिस्टर आदित्य ठाकरे भी रिप्लाई तब करेंगे जब इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, उसके नंबर्स ऑफ व्यू तब आएंगे, तभी रिप्लाई करेंगे, वरना वो सोचेंगे अच्छा कोई भी आदमी, अच्छा बड़े आदमी के बारे में तो 50 लोग बोलते रहते तो क्या फ़र्क पड़ता है। चलो फैक्ट है, आज मेरे बारे में अगर कोई बोलता है उसके 10-15 व्यू आए तो मैं काय को रिप्लाई करूंगा, ठीक है, बहुत लोग बोलते रहते, लेकिन उसके अगर 1,00,000 के ऊपर व्यू आए तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो इस वीडियो के सोचो आदित्य ठाकरे तो उसके बारे में कितने व्यूज लाने चाहिए, वो आपका काम है, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ, दोनों टॉपिक के बारे में बात करूंगा, सुशांत सिंह राजपूत के टॉपिक के बारे में, और दूसरे इस महाराष्ट्र में जो भी गलाढोली हो रही है उसके बारे में। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को छोड़ो, अभी बाजू में ये अचानक उसके बाद CM बने तब ये मार्केट में आ गए, उससे पहले उनका हमने ऑफकोर्स नाम सुना था सबने, लेकिन अचानक जो हाईलाइट में आ गया, अचानक CM, जो शायद हमने भी नहीं सोचा था कि कोई शिवसेना का इंसान इस तरह से अचानक CM बन जाएंगे। लेकिन चलो, देवेंद्र फडणवीस और हमारे वो नारायण राणे के बेटे नितेश राणे हो या बाकी लोग हो, अचानक बार बार बोलते थे कि जल्दी ही ये सरकार पलटने वाली है, जल्दी ये सरकार पलटने वाली है, करते करते 1.5 साल हो गया था, और अभी फिलहाल जो सरकार पलट गई, और सरकार पलटने के बाद इन्होंने कम से कम 30 से 35 दिन मंत्रियों को डिसाइड करने में लगाया। मैं सुशांत सिंह राजपूत के टॉपिक पे भी आऊंगा, लेकिन यहाँ अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है आदित्य ठाकरे का उसके बारे में बात करें, तो ये पहले देवेंद्र फडणवीस और इसकी मन की बात कर रहा हूँ, जो बार बार बोल रहे थे कि जल्दी सरकार गिरेगी। जल्दी ही का मतलब क्या होता है? जल्दी मतलब ठीक है भाई, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, ओके। अब वो जल्दबाजी बीजेपी ने लिया, जल्दबाजी मतलब 1.5 साल। अब इस बीच में बहुत सारी चीज़ें की, सुशांत सिंह राजपूत हुआ, ड्रग्स का हुआ, ये हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, अनिल देशमुख अंदर गया, सचिन वाजे वगैरह, ये सब, परमवीर सिंह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारा नवाब मलिक अंदर गया, उसके कनेक्शन दाऊद के साथ निकले, ED लॉन्ड्रिंग मामले में तुम्हारा संजय राउत भी अंदर चला गया। इसके बाद भी ये कहा जाता है कि हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी, ये शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल एजेंसीज का यूज करके हमारे ऊपर एक्शन ले रही है, हालांकि इनके भी रॉन्ग चिट्ठे है, ओके। अभी मैं दोनों तरफ से, पार्टियों की तरफ से बात करता हूँ। उसके बाद बीजेपी ने जल्दी ही करते करते, एक एक चीज करते करते उन्होंने सरकार बना ली। जिस टॉपिक पे उन्होंने सरकार बनाई, वो सुशांत का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, या ना हो, एक भी मामला सॉल्व नहीं हुआ है। उस साल बीजेपी भी क्या, शिवसेना होती तो भी नहीं करती, कांग्रेस होती तो भी नहीं करती, कोई भी नहीं करती। मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, ना मेरे को पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना, ना ही मैं जिंदगी में पॉलिटिक्स में कभी आने वाला हूँ। एक सपना था बॉलीवुड कोरियोग्राफर का, वो खत्म हो चुका है, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात आगे की, चलो इसमें अब रही बात आदित्य ठाकरे की बात करते, अब सेम चीज़ क्या कर रहे हैं वो, आदित्य ठाकरे बोल रहे कि जल्दी ये सरकार गिरने वाली है। लेकिन आदित्य ठाकरे के पास है क्या? आदित्य ठाकरे के पास जो अजित पवार है, जो शरद पवार के लिए, उनके दिमाग में शक पैदा नहीं होगा आदित्य ठाकरे, और ये मेरे हिसाब से गलत हो रहा है, क्योंकि अगर आप बीजेपी अगर बोलती है कि जल्दी ही सरकार गिरेगी, ये उन्होंने तब से स्टार्ट किया, तब से जब से सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ, और उसके बाद एक एक चीज़ें एक्शन कर रहे थे, जब ये अभी आदित्य ठाकरे जो बोल रहे जल्दी ही सरकार गिरेगी,
तो जल्दी से जल्दी सरकार गिरेगी, ये आज तक बात कर रहे, वो मराठी में बात कर रहे लेकिन मैं उसका हिंदी कन्वर्सेशन बता रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी ही सरकार गिरेगी, तो इनका क्या मतलब आदित्य ठाकरे की आप भी एक डेढ़ साल लेने वाले हो, मतलब 2024 का इलेक्शन आ जाएगा, तो ये वो उस तरह से करे। लेकिन आदित्य ठाकरे के पास में है क्या, एजेंसीज तो है नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इसका मतलब क्या है कि आदित्य ठाकरे क्या शिंदे सरकार से मिलने वाले हैं, क्या शिंदे सरकार के साथ कोलैप्स होने वाले हैं? अगर ऐसा हो गया तो आज की डेट में जो आदित्य ठाकरे बोल रहे कि भाई मैं इसलिए इनसे खफा नहीं हूँ, इसलिए इनको दुश्मन नहीं कह रहा, इसलिए इनको मेरे पीठ पे छुरा खोपा, शिवसेना की पीठ पे छुरा खोपा, शिवसेना को बदनाम किया, बाला साहब ठाकरे की आत्मा को आघात पहुँचाया एकनाथ शिंदे और इन लोगों ने जो पीठ पे छुरा खोप के दूसरी सरकार बना ली, इसलिए नहीं नाराज़ है कि कुर्सी ले ली, इसलिए नाराज़ है कि इन्होंने ठाकरे परिवार का राजनीतिक खत्म कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे बीजेपी से जाके मिलोगे तो फिर तो और बड़ी बात है, तो फिर तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको जरूरत पड़ गई, ठाकरे परिवार के पोते को जरूरत पड़ गई उस इंसान से मिलने की जाके जिसने दूसरी शिवसेना बनाई। लेकिन ये अजित पवार के दिमाग में आ सकता है, क्योंकि जब आदित्य ठाकरे बोल रहे कि वापस से सरकार गिरेगी, वापस से सरकार गिरेगी, बेसिस क्या है? क्योंकि बीजेपी जब बोल रही थी कि वापस सरकार गिरेगी तब कम से कम मामले तो चल रहे थे एजेंसीज के, आपके पास तो एजेंसीज भी नहीं है, आपके पास आज की डेट में तो मुंबई पुलिस भी शायद है कि नहीं पता नहीं, तो फिर है क्या आपके पास? लेकिन फिर भी अगर ये बोल रहे तो इनके साथ जो तीन आघाड़ी सरकार थी, कांग्रेस तो चलो यार मैंने नहीं रखती, लेकिन जो एनसीपी जो है वो जो अजित पवार सोचेंगे नहीं सोचेंगे, अजित पवार यही सोचेंगे कि क्या क्या ये एकनाथ शिंदे से मिलने वाले हैं, क्योंकि पावर तो है ही नहीं अभी। तो फिर अब यह बात आती है इस बात का, एक चीज है कि एक क्या एकनाथ शिंदे से मिलने वाले हैं या नहीं, और दूसरी बात यहाँ पे है आज की डेट में, अगर मैं पर्सनली अपनी तरफ से ये बोल रहा हूँ ये बात, मिस्टर आदित्य ठाकरे अगर आप इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ, आई एक्सेप्ट वन थिंग कि सोशल मीडिया पे या वैसे कोई भी लीगल एविडेंस सामने सामने, इसने बोला उसने बोला ठीक है मान लिया, लीगल एविडेंस कि ये लोग है ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सीबीआई के पास होगा या इधर होगा या उधर होगा, बहुत सारी चीज़ें बोलते ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, या 13 जून को आपका बर्थडे है, वो हादसा 13 जून को रात को हुआ, लेकिन जिस तरह से बोला गया आपकी तरफ से कि मेरा रिया के साथ कोई लेना देना नहीं, इनके साथ कोई लेना देना नहीं, सुशांत के मामले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है आपने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया एक्सेप्ट कर ले, पहली बात एजेंसीज बोलेगी जो बोलेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में आपकी सरकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप मेरे साथ खड़े हो जाइए और बोलिए साथ में कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दो। मुझे शायद इस बात की वजह से बहुत सारे लोग गालियां भी देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ये मेरे साथ एजेंसीज को क्वेश्चन पूछते, अगर आप, क्योंकि आपके ऊपर क्लेम लगाया ना इन लोगों ने, आप बोल, आपके हिसाब से बोल रहे हो आप कि आपने कुछ नहीं किया, आपका कोई लेना देना नहीं इस केस में, तो आप एक पावर हो आज भी, बाला साहब ठाकरे के पोते हो, बहुत बड़ी पावर है ये, और फिर आप बोलो, जब आप प्रोटेस्ट कर सकते हो आर्य कॉलोनी का वहां पे मेट्रो का शेड डालने के टाइम पे कि पर्यावरण को खत्म ना की जाए, तो आप मेरे साथ प्रोटेस्ट करो कि आपके ऊपर भी तो आघात लगाया ना, मेरा सुशांत दोस्त है समझ गया मैं आ रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर क्लेम लगाया इन्होंने, अब इनकी सरकार है, आपकी सरकार भी नहीं है महाराष्ट्र में, तो चलो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य ठाकरे खुद प्रोटेस्ट कर रहे कि मुझे जिस तरह से बदनाम किया, ये बोलो आप कि मुझे जैसे आपने बदनाम किया है तो अब इस केस का नाम, इस केस में मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है, बोलो प्रोटेस्ट करो इस बात में, या तो एक्सेप्ट करो बीजेपी की आपने मुझे बदनाम किया, या तो फिर इस केस में मेरा नाम साबित करो, दोनों में से कोई तो चीज बोलो, लेकिन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलोगे तो दुनिया समझ जाएगी क्या समझना है, लेकिन अगर बोलोगे, अगर आप सच्चे हो तो बोलो, अगर आप सच्चे नहीं हो फिर तो दुनिया चली रही है वैसे भी, पता नहीं ये वीडियो पोस्ट करूंगा या नहीं, पोस्ट करूंगा तो समझ में आएगा, लेकिन बहुत रिस्क लेके पोस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी, शेयर करना है या नहीं करना।